सोशल मीडिया और यूट्यूब पर एक ऐसा हीरो छाया रहता है जिसकी लोकप्रियता रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और सलमान खान जैसे दिग्गजों को परेशान कर सकती है। ये हीरो इन दिग्गजों की तरह कोई बड़ी फिल्में नहीं करता, न ही खूबसूरत जगहों पर हीरोइन के साथ रोमांस करता है, फिर भी ये इतना लोकप्रिय है कि इसे बांग्लादेश का सुपरस्टार कहा जाता है। ये हीरो बांग्लादेश में काफी मशहूर है। अब आप सोच रहे होंगे कि भले ये हीरो है कौन। ये हैं अशरफुल आलम सईद, यानी हीरो आलम, जो आलम बोगरा के नाम से जाने जाते हैं। आलम ने कई फिल्मों में काम किया है और 500 से ज्यादा गाने प्रोड्यूस किए हैं। आलम की लोकप्रियता का आलम ये है कि फैंस ने इनके नाम से फेसबुक पर कई पेज बना रखे हैं, और तो और उनके गानों को भी चंद मिनटों में लाखों व्यूज मिल जाते हैं। बांग्लादेश में लोग आलम को लेकर इस हद तक पागल हैं कि वो उनके साथ सेल्फी तक लेने के लिए आतुर रहते हैं। जिस तरह बॉलीवुड में शाहरुख को रोमांस का बादशाह कहा जाता है, ठीक उसी तरह बांग्लादेश में आलम बोगरा को किंग ऑफ रोमांस माना जाता है। आपको आलम की इस पॉपुलैरिटी पर अचरज हो रहा होगा, क्योंकि बाकी कलाकारों की तरह आलम ना तो खूबसूरत हैं और ना ही उनके सिक्स पैक कैब्स हैं। बावजूद उनमें ऐसा हुनर है कि लोग उन्हें देखते ही पागल हो जाते हैं। उनकी साल भर की कमाई 2 करोड़ रुपए है, जो बांग्लादेश के किसी भी हीरो से कहीं ज्यादा है। अगर यूं कहा जाए कि उनके गाने सिर्फ उनके नाम पर भी चल जाते हैं तो गलत नहीं होगा। हर गाने में आलम के साथ आप एक से एक खूबसूरत हीरोइन को देख सकते हैं, जो बिंदास होकर उनके साथ नाचती भी हैं और रोमांस भी करती हैं। बांग्लादेश में इनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। बड़े बड़े क्रिकेटर्स इनके साथ फोटो खिंचवा चुके हैं, लेकिन इनकी जिंदगी की राह इतनी आसान नहीं थी हमेशा से। एक ऐसा भी वक्त था जब उनके पास रहने को छत और पेट भरने को खाना तक नहीं था। आलम के पिता चन्ना चूर बेचते थे। जब वह 10 साल के थे तभी पिता ने दूसरी शादी कर ली और आलम और उनकी माँ को घर से निकाल दिया। अपनी माँ और अपना घर चलाने के लिए आलम ने अपने पिता की तरह चन्ना चूर बेचना शुरू कर दिया। चन्ना चूर बेचने के कारण वो अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाए। दिन भर चन्ना चूर बेचने के बाद आलम शाम के वक्त एक वीडियो की दुकान पर आकर बैठते थे। यहीं से उन्हें फिल्मों और मॉडलिंग करने का शौक चढ़ा। आलम ने कुछ ही समय बाद वो दुकान खरीद ली। दिन में वे चन्ना चूर बेचते थे और रात को दुकान संभालते थे। उनकी की जिंदगी में बदलाव तब आया जब उनकी दुकान पर आने वाले एक शख्स ने उन्हें गोद ले लिया। अब्दुल रज्जाक नाम का यह शख्स ही था जिसने आलम को केबल टीवी का बिजनेस सेट कराने में मदद की। आलम का केबल टीवी का बिजनेस चल पड़ा, लेकिन एक्टर बनने की उनकी ख्वाहिश अभी भी अधूरी थी। 2008 में आलम ने अपनी पहली म्यूजिक वीडियो प्रोड्यूस की और उसे अपने केबल टीवी पर रिलीज किया। लोगों ने उनके वीडियो को काफी पसंद किया। आलम बताते हैं कि पहले लड़कियां उनके साथ काम करने से कतराती थीं। एक्टर जैसे गुड लुक्स न होने की वजह से कोई भी उनके साथ काम करने को राजी नहीं होता था। यूट्यूब पर हिट होने के बाद उन्हें फिल्मों और सीरियल के भी ऑफर आ रहे हैं। वह बांग्लादेश के टेस्ट टीम के कप्तान मुश्फिकर रहीम के साथ काम करना चाहते हैं और इस सिलसिले में उनसे मुलाकात भी कर चुके हैं। आप इनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि जब बाकी खिलाड़ियों को उनके आने का पता चला तो वे खुद आलम से मिलने पहुंचे। कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में वही चल सकता है जिसके पास अच्छी बॉडी और गुड लुक्स हों। लेकिन इस धारणा को तोड़ते हुए आलम न ही एक सफल अभिनेता बने बल्कि एक मिसाल भी पेश की। आलम उन सभी लोगों के लिए आदर्श हैं जो फिल्मों में काम तो करना चाहते हैं लेकिन कोशिश करने से कतराते हैं।